84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तरबगंज विधानसभा में इस बार करीब 3,70,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,80,000 महिला वोटर वहीं 2,30,000 पुरुष मतदाता हैं। तरबगंज विधानसभा सीट पर ठाकुर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता है, इसलिए सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण प्रत्याशियों के पक्ष में ही जीत का समीकरण है। तरबगंज विधानसभा क्षेत्र 1951 में तरबगंज साउथ ईस्ट के नाम से जाना गया। 1951 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान शरण सिंह ने जीत दर्ज की। इन्होंने हिंद मजदूर सभा के प्रत्याशी राम मनोहर पांडे को 600 वोटों से हराया। कांग्रेस पार्टी के विजेता चंद्रभान शरण सिंह को 15,357 वोट यहां की जनता ने दिए। 1957 विधानसभा चुनाव में तरबगंज की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को एक बार फिर जीत दर्ज करवाई। इस बार यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शीतला प्रसाद को जीत हासिल हुई। भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार मैन बहादुर सिंह को 4,691 वोट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शीतला प्रसाद को 12,375 मत प्राप्त हुए। 1962 के विधानसभा चुनाव में तरबगंज की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा जताया और शीतला प्रसाद को जिताकर लगातार दूसरी बार विधानसभा भेजा। इस बार शीतला प्रसाद ने स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह को 2,923 वोटों से हराया। 1967 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी एसपी सिंह ने स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को हराया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह को 17,964 वोट मिले और उन्होंने सदन पार्टी की प्रत्याशी को 992 वोटों से मात दी। 1969 के विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने कांग्रेस पर ही विश्वास किया और एसपी सिंह को जिताया। एसपी सिंह ने सत्यपाल सिंह को हराया, जो भारतीय क्रांति दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 11,678 वोट प्राप्त हुए, जबकि भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार को 10,820 मत हासिल हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह को 858 वोटों से विजय हासिल हुई। 1974 में परिसीमन के बाद हुए चुनाव में तरबगंज विधानसभा का नाम डिक्सिर कर दिया गया। 74 के चुनाव में डिक्सिर से भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी के जीत के रथ को रोक दिया। भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी रमापति ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गंगा प्रसाद को 6,180 वोटों से हराया। भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी को 15,776 वोट यहां की जनता ने दिए। 1977 में डिक्सिर विधानसभा में रमापति शास्त्री ने दोबारा जीत दर्ज की। इस बार रमापति शास्त्री ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राम गरीब को 8,272 वोटों से शिकस्त दी। जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति को यहां की जनता ने 16,650 वोट दिए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राम गरीब को 8,378 वोट हासिल हुए। 1980 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल को जीत हासिल हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक दिया। कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल को 14,703 वोट यहां की जनता ने दिए, जबकि रमापति शास्त्री को 10,113 वोटों से संतोष करना पड़ा और 4,590 वोट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल ने 1985 के विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल की। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार शास्त्री को 3,321 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को 29,550 और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री को 26,229 वोट प्राप्त हुए। 1989 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमापति शास्त्री ने बाबूलाल के जीत के हैट्रिक के सपने को तोड़ दिया और बीजेपी के रमापति शास्त्री ने कांग्रेस के बाबूलाल को 3100 वोटों से शिकस्त दी। बीजेपी को 34,660 वोट यहां की जनता ने दिए, जबकि कांग्रेस को 31,560 वोटों से संतोष करना पड़ा। 1991 के विधानसभा चुनाव में 17,964 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री ने जीत दर्ज की। 91 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री को यहां की जनता ने 41,943 वोट दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल को 23,979 वोटों से संतोष करना पड़ा। 1993 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम था। इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था।
जिसका असर देखने को भी मिला और रमापति शास्त्री ने एक बार फिर जीत दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री ने इस चुनाव में 46,177 वोट हासिल किए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल को 13,313 वोटों से मात दी। बाबूलाल को यहां की जनता ने 32,861 वोट दिए। अयोध्या सीमा लगने की वजह से इस विधानसभा क्षेत्र का माहौल 1996 में काफी गर्म हुआ। हर जगह यहां पर सपा और बसपा का परचम लहरा रहा था। वहीं इस विधानसभा में 1996 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमापति शास्त्री को एक बार फिर जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल को 12,108 वोटों से हराया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने भी इस चुनाव में अपना दमखम दिखाया और उन्हें 19,964 वोट हासिल हुए। शास्त्री को इस चुनाव में 43,715 वोट देकर यहां की जनता ने विधानसभा भेजा। कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल को 31,607 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 19,964 मत हासिल हुए। 2002 के चुनाव में बाबूलाल ने सीट से जीत दर्ज की। इस बार बाबूलाल ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री को हराया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 44,398 वोट हासिल हुए जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमापति शास्त्री को 37,758 वोट हासिल हुए। सपा प्रत्याशी ने रमापति शास्त्री को 6,640 वोटों से शिकस्त दी। 2007 विधानसभा चुनाव में दिक्सिर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने जीत का खाता खोला। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र ने यहां से जीत हासिल की। रमेश चंद्र ने यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमापति शास्त्री को 3,358 वोटों से हराया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र को यहां की जनता ने 41,618 वोट दिए जबकि शास्त्री को 38,260 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। परिसीमन के बाद 2012 में एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम तरबगंज रखा गया और कुछ हिस्से को मनकापुर विधानसभा से जोड़ दिया गया। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह ने जीत हासिल की। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम भजन चौबे को हराया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 5,180 वोटों से शिकस्त दी और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम नारायण पांडे रहे। जीत हासिल करने वाले अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह को 52,395 मत प्राप्त हुए जबकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम भजन चौबे को 43,215 वोट हासिल हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर जीत दर्ज की और भाजपा के उम्मीदवार प्रेम नारायण पांडे ने यहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को हराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम नारायण पांडे ने 1,294 वोट हासिल किए और समाजवादी पार्टी के नेता विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को 38,442 वोटों से मात दी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता विनोद को 61,800 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।